सीमा हैदर क्या पाकिस्तान वापस जाएंगी या फिर हिंदुस्तान में ही उनको पनाह मिलेगी, ये सवाल सबके जहन में कौंध रहा है। सीमा हैदर पर जासूस होने का भी शक है, जिसकी जांच एजेंसियां अपने तरीके से जांच कर रही हैं। वो बार बार एक ही बात कह रही है कि वो मोहब्बत के कारण अपना सब कुछ छोड़कर सचिन के पास आई है। उनके घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ग्रेटर नोएडा का रबुपुरा गांव बिल्कुल पीपली लाइफ बनकर रह गया है। हर शख्स सीमा हैदर से मिलना चाहता है, उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। वो इस समय रबुपुरा की एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। से रिक्वेस्ट है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ताकि मेरे पति की थोड़ी हेल्प हो सके, क्योंकि हम लोग घर पे ही बैठे हैं, कोई काम करने वाला फिलहाल है नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। सारे आ रहे हैं, न्यूज़ वाले सब आ रहे हैं, मुँह के चले जा रहे हैं, सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें हमारी थोड़ी सी। हाय गाइस, ये मेरा पति है, मेरे हस्बैंड, मेरी लाइफ लाइन। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, यही सच्चाई है। और एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि न्यूज़ वाले अलग अलग सवाल कर रहे हैं। जो मैं अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, वो ज़्यादा नहीं बोल पाती, मैं भी थोड़ी थोड़ी लाइनें बोलती हूँ। रही बात कंप्यूटर की, तो मैंने कंप्यूटर ज़िंदगी में चलाया या छुआ तक नहीं है, ना लैपटॉप, ज़िंदगी में लैपटॉप देखा भी नहीं है ज़िंदगी में। तो हाँ, फ़ोन अच्छे से चला लेती हूँ, बहुत अच्छे से फ़ोन चला लेती हूँ। और जो हिंदी बोल लेती हूँ, उनकी मोहब्बत है। रही बात इस्लाम की, और सब चीज़ें मुझे पता है, पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, रमज़ान के बारे में, सब पता है मुझे। पर मैं कहती नहीं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, यही रीज़न है, मैं कुछ नहीं कह रही। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, ताकि हमें थोड़ी सी इनकम हो सके इनकी और हम अच्छे से रह सकें। अभी तक हमारा केस चल रहा है, तो अभी लोगों को मैं, ये जो मुस्लिम लोग कुछ मेरे बारे में वीडियो बना रहे हैं, सुबह भी एक आंटी की वीडियो देखी मैंने, बहुत बुरे तरीके से मेरा नाम कह रही थी। कहने दो, उनका भी बनता है कि इस्लाम से मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, तो गुस्सा उनका बनता है। फिर भी उनका धन्यवाद करूँगी, उस आंटी का, कि आपने इतनी नफ़रत दिखाई मेरे बारे में। पर मुझे किसी मुस्लिम से कोई नफरत नहीं है, और ना ही किसी हिंदू से कोई इतराज़ है। हिंदू धर्म से सब मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, पर कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो मेरे ख़िलाफ़ हैं। और रही बात पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तान की मैं बेटी रही हूँ, इतना गलत मत बोलो मेरे बारे में, मैं भी औरत हूँ, मैं भी दिल रखती हूँ। कुछ न्यूज़ वाले मुझे चढ़ा चढ़ा के गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात सिम और फ़ोन की, तो मेरे बच्चों के फ़ोन थे, उन्हें मैं सिम चलाने की इजाज़त नहीं दे सकती थी, हॉट सपोर्ट से ही वो नेट चलाते थे। क्योंकि कराची में, पाकिस्तान में 7 दिन का पैकेज होता है, 30 GB मिलते हैं उसमें, तो वो बहुत बड़ा, 7 दिन में हम खर्च भी नहीं कर पाते थे, 3-3 फ़ोन वाले चलाते थे। तो और रही बात आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड जो आईडी कार्ड मेरा था, एक मेरा, एक मेरे पापा का, और एक जो मेरे पति हैं एक्स, उनका था। कोई 3 आईडी कार्ड मेरे नहीं है, मेरा एक ही आईडी कार्ड था। और एज की बात है, तो ये नॉर्मल है, हर कोई 3 से 4 साल कम अपनी एज लिखवाता है आईडी कार्ड में, मेरा भी यही था। ये पाकिस्तान में आम चलता है, तो लोग इन बातों को गलत गलत करके कह रहे हैं। ऊपर वाला जानता है सच क्या है, और एक दिन सबके सामने दिया गया। धन्यवाद। सीमा हैदर का कहना है कि वो भारत में ही रहेंगी, उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया है। वो लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है कि उनको सपोर्ट करें, क्योंकि सब कोई उनसे बस मिलने आ रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। आपको बता दें, सचिन की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। वो किराए की एक दुकान पर काम करता था। NBT ऑनलाइन की टीम भी रबुपुरा गाँव पहुंची थी, वहां का सीन कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था। गली खचाखच भरी हुई थी, छतों में लोग इकट्ठा होकर सीमा हैदर को देखना चाह रहे थे। मीडिया का भी खासा जमावड़ा वहां पर लगा हुआ था। NBT ऑनलाइन की टीम ने मोहल्ले वालों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि सचिन को तो उन्होंने बचपन से देखा है, इनकी माली हालत बेहद खराब है। वो एक किराए की दुकान पर काम करता था, जिससे कुछ रकम मिलती है, जिससे घर का गुजारा बसर चलता है। लेकिन अब सवाल ये है कि सीमा के साथ में 4 नन्हे बच्चे भी हैं, उनके साथ माँ बाप, पूरा परिवार भी है। क्या 100, 200 या 300 रुपये रोज के कमाने से क्या गुजारा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? सचिन सीमा हैदर की कहानी में हर रोज
रोज किसी नए किरदार की भी एंट्री हो जाती है तो कहीं नए नए खुलासे हो जाते हैं। हालांकि जांच एजेंसियां इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही हैं। मोहल्ले के तमाम लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा को हम गांव में ही रखेंगे, अगर ये पाकिस्तान गई तो हमारे भारत की बदनामी हो जाएगी। कई और लोगों का भी कहना है कि सीमा अगर जासूस है तो इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है फिर भी उनको पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया तो पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पे उनको मार दिया जाएगा।